सिवान के दरौदा के लोपर गांव में एक श्राद्ध कार्यक्रम में खाना खाने के क्रम में सैकड़ों लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों की माने तो 200 से 250 लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है, जिन्हें जी मचलना, उल्टी होना, ठंड लगकर बुखार आना जैसे लक्षण दिख रहे हैं। वहीं सिवान के दरौदा अस्पताल में 7 लोगों को भर्ती कराया गया है, जिसकी जाँच के लिए सिवान के सिविल सर्जन यदुवंश शर्मा पहुँचे हुए हैं। लोगों का यह भी आरोप है कि अस्पताल में किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। इस सवाल पर सीएम ने कहा है कि व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। बोले आप अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हुए, क्या तरह की स्थिति आपको दिख रही है? देखिए, अभी रामसापुर पंचायत के लोपर गांव में 2 दिन पहले एक भोज हुआ था, जिसमें फूड प्वाइजन की आशंका है। उसमें हॉस्पिटल में लोग आए और गाँव में भी लगभग 400 के करीब लोग बीमार हैं। जब हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आए तो यहाँ पर न पानी है, न सुई है, न कोई दवा की व्यवस्था है। इस तरह का यहाँ पर है, यहाँ पे डॉक्टर भी अनुपस्थित पाए गए हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम हेल्थ मैनेजर से बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है और यहाँ पे एक्सपायरी दवा रखा गया है। आज यहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं है। जहाँ पर गाँव में लोग बीमार है वहाँ पर सिर्फ कंपाउंडर को, और कंपाउंडर नहीं गए वहाँ, कंपाउंडर भी नहीं गए, फार्मासिस्ट गया है, फार्मासिस्ट जिसको हॉस्पिटल में रहना चाहिए, जिसको हॉस्पिटल में रहना चाहिए वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं गया है। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई अप्रिय घटना होती है, इसका पूरा जिम्मेवार हॉस्पिटल के जो भी मैनेजर है, स्टाफ है, वो लोग होंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम उमा शंकर सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष तरावदा। नहीं मिलती है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी बहुत बुरी प्रतिक्रिया होगी। जब हम सिविल सर्जन हैं और हमें मिल जाए ये शिकायत, तो इसको दूर करना मेरी प्राथमिकता है, मेरी जरूरत है, मेरा कर्तव्य है। यहाँ सर समय से ये डॉक्टर भी उपस्थित नहीं रहते हैं, उसको भी ठीक करेंगे। बहुत सी चीजें बहुत दिन बाद पता लगती हैं जी, ठीक क्यों नहीं करेंगे? अभी यहाँ 7 लोग भर्ती हैं, जिसमें 5 को पानी लगा हुआ है, और जैसे एक ग्राम में भोज हुआ था उसके खाने के बाद ही अधिकतर लोग इसमें बीमार हुए हैं। अतः ये मुख्यतः बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन, जो फूड पॉइजनिंग भी कह सकते हैं, उसी के कारण हुआ होगा। लेकिन अभी 5ों की स्थिति अच्छी है, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होंगे, समय लग के सभी ठीक हो जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।